नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। मैं हूं अरविंदर सिंह। रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के गठन को लेकर मनाए जाने वाले हमीर उत्सव में इस बार पहाड़ी कलाकारों को दी जाएगी तवज्जो। 6 दिसंबर को हमीर उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या पंजाबी गायक कंवर गरेवाल के नाम रहेगी, कहा उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ दुराचार के बाद निर्मम हत्या पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा अनिता वर्मा ने। अनिता वर्मा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर केंद्र सरकार लोगों को कर रही गुमराह। बस स्टैंड के समीप खोखा धारकों को हटाने के फैसले पर बिफरे खोखा धारक। खोखा धारक वीरेंद्र मल्होत्रा ने जताया जिला प्रशासन पर गहरा रोष। हिमाचल परिवहन निगम ने भोटा बस अड्डे में अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी और जो नियमों का करेंगे उल्लंघन उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, कहा आरएम विवेक लखनपाल ने।